ओपिनियन ऑन रफ्तार एक्स रिशु भाई मेरे को तो अच्छी लगी भाई, जेन्युइनली मेरे को तो सही में अच्छी लगी। एक ना तुम लोगों ने ना ढोंग पाल लिया है कि भाई अगर कोई लाइव स्ट्रीम चल रही है तो वो 1 घंटे के लिए तुम्हारे सामने ऐसे, अगर जैसे टेलीवाइज्ड है, सब कुछ शूट हो रखा है, प्रॉपर फ्लो है, लोग हंस रहे हैं, अलग अलग शॉट्स हो रहे हैं, तुम वैसे देखते हो भाई चीजों को। लाइव स्ट्रीम जो होती है भाई वो इट्स बिल्कुल वही एज वी आर स्पीकिंग तभी हो रही होती है भाई। इसको ऐसे क्यों देख रहे हो? अबे यार यहाँ पे ऑकवर्ड क्यों हो रहा भाई? बिकॉज दैट्स हाउ कॉन्वर्सेशंस आर इन रियल लाइफ। तू साले किसी से भी कॉन्वर्सेशन अगर कर रहा होता है तो भैंचो तेरे दिमाग में पटाखे फट रहे होते हैं पूरे 1 घंटे के लिए लगातार। होता है भाई, हर कॉन्वर्सेशन के हाईज और लोज आते हैं, तो लाइव स्ट्रीम के भी होते हैं भाई। और मेरे को लगता है हाईज बहुत ज्यादा थे और लोज इतने नहीं थे कि तू उसको ओवरशेडो करवा लो। ये तो बस वही बात हो गई कि रिशु को गाली बकनी है तो बक दो भाई। मेरे को तो अच्छी लगी भाई स्ट्रीम। एंड एक तो भाई ये जो तुम लोगों ने भाई लगा रखा है ना कि भाई कॉमेडी ये कॉमेडी वो, ये जोक नहीं फटा वो जोक नहीं फटा, भाई तुम्हारे को ना एक सच बात बताता हूँ, ये जो स्ट्रीमर्स होते हैं यूट्यूबर्स होते हैं, तुम्हारे को पता है इन लोगों के पास कितना बड़ा डिसएडवांटेज है एज कंपेयर टू स्टैंड अप कॉमेडियंस एंड लाइक प्रॉपर प्रॉपर कॉमेडियंस? इन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टैंड अप कॉमेडियंस को, ये अपना सेम मटेरियल लेकर जाते हैं और 6 महीने तक अलग अलग क्राउड्स के ऊपर उसको बस प्रैक्टिस करते रहते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, तब जाके वो एक 5 मिनट का बिट आता है जो तुम लोग सुनते हो और बोलते हो अरे लंड मेरा, मैं तो ना सरा बेकार चीज। अब सोचो कितना बड़ा डिसएडवांटेज है एक यूट्यूबर के पास जो कॉमेडी करना चाहता है, वो एक जोक को पब्लिक में बस एक बार बोल सकता है, बस एक बार, फटा तो फटा नहीं फटा तो नहीं फटा। ऑडियंस ओवर एक्सपेक्ट करती है इनको, हर मिनट में पंचलाइन चाहिए स्ट्रीम्स पे। हाँ भाई ये तो है, ये तो है, तभी मैं बोलता हूँ भाई मेरे को लंड फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम लोगों को मेरे जोक समझ में आ रहे हैं, हंसी आ रही है नहीं आ रही कोई नहीं, मैं आया हूं बस बोलने, बस बोलने। आपको नहीं आ रहा पसंद, ठीक है भाई नेक्स्ट टाइम मेहनत कर लेंगे, आपको पसंद आया ठीक है भाई नेक्स्ट टाइम आ जाना।